I won't forget this. You're right. जाओ और मत भूलना. मैं भी नहीं भूलूंगी. और ये मत सोचना मुझे तुम्हारी जरूरत है. जो तुम्हारी जरूरत नहीं है. Just go to hell. तू कहती थी ना नीतू, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती. आज तोड़ ही दिया. अरे बेटा, शादी में दिनी कितने रह गए और घर में हमारे काम करने वाले कितने हैं? बस एक नीतू और साधना, वही ना. बेटा बेटा, अरे भाई, इधर इधर इधर. अरे बेटा, भैया एक ग्लास पानी पानी मिल सकता है? अरे कितनी बार मैं कह रहा हूं, कॉफी नहीं चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए. नो, कि नरेश को भी अभी लू जाना था. पता नहीं कब आएगा. अरे मैं कितनी बार कहूं तुमसे कि कॉफी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. सुनाई नहीं देता क्या? तब से बोल रहा हूं पानी चाहिए, पानी पानी. अजीब बेवकूफ आदमी है. वहां कोई मर रहा है और ये आदमी यहाँ चाय कॉफी बेच रहा है. अरे बेवकूफ की बात तो आप कर रहे हैं. ये रेस्टोरेंट है, यह हर चीज पैसे से खरीदी जाती है. हर राह चलते को हम पानी नहीं पिलाते. हाँ चलते. क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम ये समझते हो कि मैं यहाँ पे कॉफी नहीं खरीद सकता? अरे कॉफी क्या, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता हूँ. बात कर रहा है फालतू की. एक मिनट एक मिनट, ये हमारे साथ हैं. अरे हिमानी, तुम जो भी इन्हें चाहिए इन्हें दे दीजिए और बिल में ऐड कर दीजिए. अब जाओ. क्या हुआ अंकल? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी दादी को चक्कर आ गया था तो मैं यहाँ आया पानी लेने के लिए. लेकिन ये फालतू की बकवास कर रहा था. कॉफी कॉफी समझ रहा था. मैं पानी मांग रहा था, ये कॉफी समझ रहा था. गधा बेवकूफ, छोटी छोटी बात नहीं समझ सकते लोग. परेशान बाद में बात करेंगे. सोच समझ के बात किया करो, समझे? चलिए चलिए. हाँ कहाँ फिर भाग रही हो? वेरी बैड जिया. यही होता है जो अपना वादा तोड़ता है हमेशा भागता ही रहता है. तुम्हारी तरह लेकिन हमसे भागकर कहाँ जाओगे जिया? मिस्ट्री डांसर का नाम तो हम जानकर ही रहेंगे जिया, चाहे कुछ भी हो जाए. ओके देखो समर, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती. प्लीज अभी मुझे जाने दो. प्लीज जाने दे. ओके, जाओ. लेकिन ये मत समझना कि ये बात यहीं खत्म हो गई. हम तुम्हारे दोस्त अपूर्वा और बरखा की तरह अच्छे नहीं हैं जिया, और ना ही हमें अच्छे बनने का कोई शौक है. धोखा देने के बारे में सोचना भी मत. ओके, यू कैन गो नाउ. आज नहीं तो कल सही, पता तो हम करके रहेंगे. दादी, कहाँ हो? दादी, दादी कहाँ हो?
हैं जगराते पर, तेरे पापा लेकर गए हैं। कब तक आएंगे? बोलो ना कब तक आएंगे माँ। अरे वो जल... पर क्या हुआ तुझे? पता ना कब आएंगे दादी। आ जाएंगे, लेकिन तुझे क्या हुआ? बेटा महेश मेरा सर घूम रहा, पैर नहीं चल रहे मेरे, कुछ कर बेटा, मैं तो यहीं गिर जाऊंगी। अच्छा आप रुको माँ, मैं अभी रिक्शा लेके आता हूँ। भगवान भला करे तेरा। हिमानी ये सामान है। अरे हिमानी, महेश ने तुझे और नरेश को देखा कि नहीं? नहीं दादी, इतनी अच्छी प्लानिंग चल रही थी, इतना चिपक चिपक के बैठी थी मैं उसके साथ, पर वो बेवकूफ महेश अंकल के आने से पहले रेस्टरूम चला गया और अभी तक नहीं निकला है। पता नहीं अंदर क्या कर रहा है। अरे अपने पाप धोरा होगा नालायक, पर तू क्यों बाहर आई? और क्या करती दादी, महेश अंकल ने उसे और मुझे तो साथ में देखा नहीं, तो मेरा वहां रुकने का क्या फायदा? यानी कि वो मुसीबत टली नहीं, उसे फंसाने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा ना। मतलब मुझे फिर से उसके साथ फ्लर्ट करना पड़ेगा? प्लीज सॉरी बेटा, एक दिन और कर ले। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कह रही है तू? किसी को भी नहीं सुना। किरण मैम उनको भी लगता है कि मैं डबू, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मैं उनके पेपर्स घुमा देती हूँ, हर बार जान के पेपर्स घुमा देती हूँ। रोहन सर, उन्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। वो पेपर्स मैं सच में कह रही हूँ माँ, मुझे याद नहीं है कि वो पेपर्स मैंने कहाँ रखे थे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात वहाँ पे भागती दौड़ती रहती हूँ, फिर भी किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। नीतू, नीतू, क्या बोलती जा रही है? यकीन करो। क्या हो गया जी आदि? हमेशा मुझे धमकी देता है। कौन कौन? नहीं बताऊ क्यों मुझे धमकी देता है माँ? मैं नहीं बताऊंगी उसे, नहीं बताऊंगी कि वो कौन है वो लड़की, नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? मैंने ढेका लेकर रखा, बापू राव को भी जानना होता है। दी क्या हो गया? कुछ भरोसा नहीं। क्या हो गया जी आदि? मुझे नहीं बताना किसी को। क्यों मैं सबको संभालू? हाँ? किस किस को मैं समझाऊं? बताओ मैं किस किस को समझाऊं? चुप करो दी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हो। माँ क्या हो गया? बेटा ये भी हो सकता है कि शादी की घबराहट। घबराहट ऐसे? डबू ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी तू। और अगर ठीक नहीं हुई फिर तो जिया दीदी महेश अंकल की तरह बन जाएगी, शंका हुआ नहीं मन, और तो फिर वो पागल की पागल ही रह जाएगी। चुप कर, बैठ बैठ। मैंने आपसे कहा था कि आप रिक्शा में चले जाओ, जगराता में जाना रिक्शा में जाओ, पर कहां आप सुनते कहां हो? और वो बेवकूफ बेटा, वो उसकी तो मैं ऐसी मैं कह रहा हूँ कि भाई पानी चाहिए और वो कॉफी के लिए पूछ रहा। अजीब आदमी है, अजीब तमाशा खड़ा कर दिया वहां उसने। ऐसे आदमी को तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए, जेल भिजवा दूंगा उसको मैं। पूरा को मुझ पे भरोसा नहीं, बरखा मुझ पे शक करती है, कोई सच बताने को तैयार नहीं। आपकी तबीयत भी अभी खराब होनी थी, है? आपको भी चक्कर आना था, और मैं कॉफी क्यों पीऊं? पूरा भी जानना चाहता है, बरखा भी बात नहीं सुनती, किरण मैम को मुझ पे भरोसा नहीं। आदमी ऐसे आदमी को तुम मानी नाराज हो मुझसे? और नहीं तो क्या, तुमने तुमने काम ही ऐसा किया है। अरे पर तुम ही तो मुझे रेस्टोरेंट में छोड़ के चली गई थी। मैंने क्या किया? मैं क्यों बताऊं, मैं तुमसे रूठी हुई हूँ और तुम्हें मुझे मनाना है। जब तक तुम मुझे नहीं मनाओगे मैं नहीं बताऊंगी। अरे बाबा पर वही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मानी प्लीज मान जाओ ना, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए सॉरी। सॉरी? सॉरी कहने से क्या होता है, ना कोई फूल ना कोई गिफ्ट, मैं ऐसे नहीं मानने वाली। तुम्हें मनाने के लिए मुझे ये सब देना पड़ेगा? तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मुझे ये सब देना है दो, मेरी मर्जी ये है कि मैं तुमसे मिलने नहीं वाली। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मेरा मतलब है ये सब चीजें फोन पे तो नहीं हो सकती ना, उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ मैं, पर मैं तुमसे मिलने कहीं नहीं आने वाली, तुम्हें आना पड़ेगा वो भी मेरे घर। हाँ मैं आऊंगा ना, तो कब आना है मुझे? ग्रेट,
तो ठीक रात 10 बजे मेरे घर पहुंच जाना, ओके? ओके। दादी, दादी, दादी। हेलो। दादी हिमानी। दादी जिया की लाइफ से वो घनचक्कर फाइनली निकल जाएगा। सच? कब? दादी मैंने प्लान बनाया, मैं उसको घर पे बुला रही हूँ और उसको ना मैं फुसलाऊंगी थोड़ी उल्टी। बिल्कुल हो जाएगा। बाय बेटा। महेश बेटा सुन, सब कुछ इतना बिगड़ गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जितना भी करो और बिगड़ते जाता है, और बिगड़ते जाता है। लेकिन एक बार तो मिलना होगा और जल्द से जल्द। कैसे कैसे डब्बू कैसे? मिलना होगा, एक बार मिलना होगा डब्बू, एक बार। ये बैग? वो कुछ बुक्स है, रोहन से पूछ। छोड़ दो मुझे और उसके पास जाओ जो तुम पे यकीन करे। फाइन, आई वोंट फॉरगेट दिस। मुझे किसी से बात नहीं करनी, गो अवे। कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, जस्ट गो अवे। या? तुम यहाँ? वो कहना था कि I am वो मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे ना। तुम सो गए थे ना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना। कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊंगी। बाय। अंदर आओ जिया, अंदर आओ। कौन? अरे पर क्यों, मैं क्यों उसके घर जाऊं? अरे बेटा जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो गणित में हमेशा फेल होती थी, और साधना तो आज भी 2 और 2 5 ही करती। तू बता इस घर में बिट्टू को पढ़ाने के लिए कौन बचा? तू ना। पर ये कोई वक्त है क्या किसी के घर जाने का? तेरा तो वही हाल है, आज मर रहा तो तू बचाने कल जाएगा। अरे बेटा उसके माँ बाप घर पे नहीं है, उसे उसका स्कूल का काम कराना है, चला जाना बेटा। नालायक है वो बिट्टू, बहुत नालायक है, उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो कितने रौब से सबको बताती फिरती हूँ कि जब वो फिसड्डी मुन्ना स्कूल में फेल होता था तो मेरे महेश ने पढ़ाया और वो क्लास में फर्स्ट आया। अरे बेटा तेरे जैसा लायक टीचर आजकल कहाँ मिलते हैं? हाँ बोल। पर तू तो किसी की मदद ही नहीं करना चाहता है। ठीक है मत पढ़ा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा थैंक यू, बहुत नेक काम कर रहा है तू, थैंक यू बेटा। कहीं नहीं जा रही मैं, मुझे नहीं बात करनी उससे और उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अकेला डांस। तुम्हारी मर्जी। फाइन। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है,
15 साल की तो दोस्ती थी, और दोस्तों का क्या है, और मिल जाएंगे, और अपूर्वा के जैसे दोस्त मिलना मुश्किल थोड़ी है, है ना? क्यों ना बरखा, कई बार हम ये नहीं जानते कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, लेकिन कभी कभी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें जिंदगी से क्या नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और अपूर्वा के बीच में क्या था या कुछ है भी या नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे लिए अपूर्वा की दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कल ये फ्रेंडशिप नहीं रही तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी, सोच लो। हाँ तुम गलत कह रही हो और गलत सोच भी रही हो। तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोस्त नहीं रह पाएंगे? जो कुछ भी उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी जिया, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। मेरी ही गलती थी, मैं ऐसी हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है, मेरी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ उटपटांग हो ही जाता है, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। कई बार हम ये नहीं जानते कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, लेकिन कई बार ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें जिंदगी से क्या नहीं चाहिए। तुम्हारा और बरखा का झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने कुछ जान के नहीं किया था, तुम मेरा यकीन करो, कोई मेरी बात मानता ही नहीं, किरण मैम भी मेरी बात नहीं मानते, उनकी बस मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए वो, और कोई यकीन भी नहीं करता मेरा, समर भी वो भी मेरा यकीन नहीं करता, वो तो हमेशा मुझे चिल्लाते रहता है, मुझे धमकी देते रहता है, मैं किसको मानूं, सब मेरा यकीन करो ना। जिया 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 लिसन जिया, कौन जिया? हिमानी दरवाजा खोलो, नाराज हो क्या मुझसे? नहीं, मैं गुस्सा क्यों हूँ, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि आधी रात को जाऊं और उस वाहियात बच्चे बिट्टू को मैथ्स पढ़ाऊं। ये बिट्टू अगर मेरा बेटा होता ना तो तब तक एक थप्पड़ मारकर उसको सीधा कर दिया होता, जैसे डब्बू को कर रखा है। मजाल है कि मेरी बात तो कभी उठा ले। देखो अब तुम्हारे पापा तुम्हें डब्बू समझते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम डब्बू हो। मैं डब्बू ही हूँ, डब्बू थी, डब्बू हूँ, डब्बू ही रहूंगी। कभी कभी कुछ भी ठीक नहीं होता, ना कुछ बना पाती हूँ, ना कभी कुछ जीत पाती हूँ, सब बिगाड़ना तोड़ना फोड़ना यही सिखाया है मुझे। हिमानी तुम्हारे लिए। And this is also for you. नहीं अभी नहीं, पहले कुछ सॉफ्ट लाइट्स और म्यूजिक होना चाहिए, राइट?
अब मुझे मना, मैं भी तो देखूं कितने रोमांटिक हूं। जिया, इट्स ओके। देखो कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। जिया, इट्स ओके। जिया प्लीज। नहीं नहीं, हो जाएगा। मैं ना इसको इसे चिपका दूंगी। छोड़ दो, हो जाएगा। ये पहले जैसे मैं चिपका दूंगी तो हो जाएगा, 5 मिनट जाएगा। Yes. और अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं ऐसे तो दूसरा ला दूंगी। Yes, stop. तो दूसरा ला दूंगी घर के। रिलैक्स। गॉड नरेश, तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। That's amazing, Jia. और अगर तुम डब्बू हो तो आई थिंक सबको डब्बू होना चाहिए। आई वुड लाइक टू बी अ डब्बू एनी डे। सो व्हाट्स इट, जिया? आज से तुम अप्पू और मैं डब्बू। अब बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, हमारे बीच दोस्ती है पर अब हम दोस्त नहीं हैं। तुम मेरी मिस्टर डांसर नहीं हो सकती। इतना तो बदल ही सकती कि कम से कम वो मेरी तरफ देखे तो सही। हाँ, इतना तो बदल ही सकती हूँ।